हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस डे का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इस पार्ट को जानने के लिए आपको इससे पहले के एपिसोड्स देख लेने चाहिए, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई कार्ड में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सब एपिसोड्स देख सकते हैं। तो पहले वो चेक कीजिए और फिर इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं बॉस्टन को एक बिल्डिंग की छत पर से आगे बढ़ते हुए, और डव उसे पीछे से रोक रही थी। यहाँ पर बॉस्टन उससे कह रहा था, मैं फील कर सकता हूँ कि रिंग अर्ज कर रही है, मुझे एक तरफ ले जा रही है डव, और मुझे लगता है कि इस क्रेजी ट्रेन राइड से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और वो आगे बढ़ता है उस बैटमैन के सिग्नल की तरफ, और यहाँ पर रिंग उसे कहती है कि रिप्लेसमेंट चूज हो चुका है। और अपना कोट उतारते हुए डेडमैन उसे कहता है, हाँ तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो है बैट ईयर्स, और तुम्हें इसी की तलाश थी, और अब मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा। लेकिन तुमने मुझे ये बताने की कोशिश की है कि अब मैं बिना सेफ्टी नेट्स के कुछ नहीं कर सकता। और वो फिर से डेडमैन बनते हुए छतों पर से छलांग लगाना शुरू कर देता है और कहता है, लेकिन इसमें मजा बहुत आने वाला है। इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू होता है। एक बार जो 12 विलन्स और हीरोज मर चुके थे, वो फिर से रेजरेक्ट हुए हैं एक लाइट के जरिए, जो कि अर्थ के डीप सेंटर से आ चुकी है, और उनके वापस आने का राज अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि यह है ब्राइटेस्ट डे और इसमें हम उस राज को सुलझाएंगे। यहाँ पर वो अपनी कलाबाजियां करते हुए छतों के ऊपर से आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर बैटमैन आने का अंदेशा था, और रिंग उससे पूछ रही थी कि तुम कर क्या रहे हो बॉस्टन ब्रांड। और थोड़ी देर बाद डेडमैन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर क्राइम हो रहा था, और वो उन लोगों से लड़ने लगता है बिना किसी सुपर पावर के, अपने एक्रोबैटिक और जिमनास्टिक स्किल्स के साथ। और यहाँ पर वो रिंग से कहता है कि जब तुमने हमें वापस लाया तो तुमने हमारी बॉडीज को पिक लेवल तक स्ट्रेंथ दे दी थी, इसी वजह से मैं 1 vs 6 को हरा सकता हूँ। लेकिन तभी उन सबको हराने के बाद पीछे से एक सुपर विलन गन तानते हुए कहता है कि ये 7 है। लेकिन तभी बैटमैन उसके ऊपर कूदते हुए उसे कहता है, फ्रीज, अब ये 0 है। और यहाँ पर उस सुपर विलन को बहुत बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी, लेकिन उसे गाड़ी के अंदर डालते हुए बैटमैन उसे कहता है, रोना बंद करो विक्टर। और वो कहता है कि डेडमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब डेडमैन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही डेडमैन हूँ, क्योंकि मैं तुमसे जब भी बात करता था तब इनविजिबल घोस्ट के तौर पर बात करता था, लोगों के बॉडीज को कैप्चर करके। तब वो कहता है, मैं बैटमैन हूँ, मुझे पता है कि तुम ही डेडमैन हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम उस ग्रुप का हिस्सा हो जो कि गुड और बैड पीपल्स के साथ बनी है, और जो हाल ही में रिजरेक्ट हुए है ग्रीन लैंटर्न्स के लाइट शो के साथ। तब वो कहता है, हाँ मैंने ये भी सुना कि स्पैंडेक्स क्रैप पॉइंट में एक रेजरेक्ट हुआ है। तब बैटमैन कहता है कि मैं रेजरेक्ट नहीं हुआ था, और ना ही मैं मर चुका था, थैंक्स टू डार्क साइड मैं टाइम में लॉस्ट हो चुका था। तभी पीछे से डव आती है और उसे देखकर बैटमैन कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तब वो बताता है कि वो मुझे इस रिंग के साथ हैंडलिंग में मदद कर रही है। तब वो आगे कहता है कि मैं एक मेंबर बचा हूँ जो कि बैक टू लाइफ क्लब का, जिसके हाथ में ये रिंग है, और ये चूजन वन को ढूंढ रही है, यानी कि तुम्हें, अर्थ के अल्टीमेट चैंपियन को। तब वो कहता है, मैं। तब डव उसे पूछती है, बॉस्टन तुम्हें लगता है कि ये व्हाइट रिंग जो चाहती है वो बैटमैन ही है। तब वो कहता है, हाँ, क्योंकि ये स्मार्टेस्ट पर्सन है इस प्लेनेट का, और यहाँ पर और कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके इतनी सारी पावर्स के साथ। तब वो कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये पावर क्या कर सकती है। तब वो कहता है, ये मुर्दों को फिर से जिंदा कर सकती है, और ये एंटी मॉनिटर को चिल्लाने पे मजबूर कर सकती है, और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं कि ये क्या कर सकती है। अब ये चूजन वन का मामला है, और बैटमैन यहाँ पर शांत खड़ा ये सब देख रहा था। तब रिंग से बॉस्टन ब्रांड कहता है, जाओ रिंग, मुझे छोड़ो और बैटमैन के पास जाओ, उसे पता है क्या करना है, उसे हमेशा पता होता है कि क्या करना है। और रिंग वैसा ही करती है, रिंग जाती है बैटमैन के पास, और इसी के साथ बैटमैन पूरी लाइफ से कनेक्ट हो जाता है और व्हाइट लैंटर्न बन जाता है, यानी कि वो कनेक्ट हो जाता है एक्वामैन, जेड, कैप्टन बूमरैंग, फायरस्टॉर्म, डेडमैन, हॉक गर्ल, हॉकमैन, ओसाइरस, मार्शियन मैनहंटर, रिवर्स फ्लैश, हॉक और मैक्सवेल लॉर्ड से। और जैसे ही वो व्हाइट लैंटर्न बनता है, वो कहता है, अर्थ की सारी लाइफ
कनेक्टेड है ट्विस्टिंग रूट्स की तरह जो कि ग्राउंड के अंदर होती है, और ये वेब अब करप्टेड हो चुका है। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम डेड थे बॉस्टन ब्रांड और अभी तुम प्योर हो। और वो उसे टच करते हुए कहता है, और इसीलिए मैं तुम्हें चूज करता हूँ, ये ऑनर की बात है तुम्हारे लिए, तुम मुझे गाइड करोगे, तुम खुद के अलावा किसी और की चिंता नहीं करते। इस वजह से जिस फोर्स ने तुम्हें चूज किया उसे तुमने पोअरली चूज किया था, न कि वाइसली। तभी वही का एक विलेन उठकर शूट करता है बॉस्टन ब्रांड को, और बॉस्टन ब्रांड मरने लगता है। लेकिन तभी वो अपने कुछ यादों के बीच में फंस जाता है, जहाँ पर वो पहले तो अपना बचपन याद करता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा व्हीलचेयर में बैठे उसे देख रहे थे और वो कह रहे थे, तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी इस चेयर में अटका हुआ हूँ, है ना, और तुम बूढ़े नहीं होना चाहते। तब बॉस्टन यानी कि छोटा बॉस्टन कहता है हाँ, और वो आगे पूछता है कि क्या आप वॉक कर सकते हैं। तब उसके ग्रैंडपा कहते हैं नहीं, लेकिन मुझे वॉक करने की जरूरत ही क्या है, और चाहे मैं करूँ या ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो पूछता है इसका मतलब क्या है, इसका कुछ भी मतलब नहीं बनता। तब वो आगे कहते हैं मैं अभी भी तुमसे बात कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जो कि तुम्हारी ग्रैंड मदर और तुम्हारे फादर नहीं कर सकते। बड़ा होना बैड थिंग नहीं है, लेकिन ये प्रिविलेज है। और तभी वो अपनी उस याद से बाहर आ जाता है, और यहाँ पर वो आता है टीनेज के दौर में, जहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड के साथ चीज बर्गर खाने के लिए आया था, और जो व्हाइट रिंग ने उसे कहा था कि तुम्हें चीज बर्गर्स पसंद है वो सही था। और यहाँ पर भी वो अपने बारे में सोच रहा था, यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सुनता ही नहीं। और यहाँ पर डेड मैन जो कि अभी घोस्ट फॉर्म में था वो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये ऑड्रे है, और ये ग्रेजुएट के बाद बीमार पड़ चुकी थी और मर गई। और थोड़ी देर बाद वो इस याद से भी बाहर आ जाता है, और यहाँ पर दूसरी याद शुरू होती है, जहाँ पर एक आदमी उससे कहता है तुम्हारे फनरल पर कौन आएगा, तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली या फिर कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई भी नहीं है। तब हम देखते हैं बॉस्टन को, जो गोल लगने से कुछ समय पहले था, जहाँ पर एक आदमी से उसकी बहस होती है, और वो आदमी वहाँ से जा ही रहा था कि एक लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि बॉस्टन मेरे पापा के सर्कस को आगे बढ़ाने और चालू रखने के लिए ये सब कर रहा है। तब वो आदमी कहता है तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि वो ये सब सर्कस के लिए या फिर तुम्हारे और मेरे लिए नहीं, बल्कि एक ही आदमी के लिए कर रहा है, वो बॉस्टन ब्रांड यानी खुद के लिए ये कर रहा है। तब डेडमैन उसे कहता है कि मुझे रोको, क्योंकि मैं बाहर जाकर शूट होने वाला हूँ और मरने वाला हूँ। लेकिन वो फिर से घोस्ट फॉर्म में था, इस वजह से वो उस आदमी के आर पार निकल जाता है। यहाँ पर बॉस्टन ब्रांड बाहर की तरफ बढ़ रहा था अपने ईगो के साथ और अपने गुस्से के साथ, और वो आगे बढ़ता ही है कि तभी वही होता है जो होना नहीं चाहिए था, वो शूट किया जाता है और फिर से मर जाता है। और यहाँ पर बॉस्टन ब्रांड अपने ही डेड बॉडी के ऊपर खड़ा था, और वो उस याद से भी बाहर आ जाता है और कहता है मैं किसी के बारे में केयर नहीं कर सकता था, लेकिन अब नहीं, जब मैं डेड हुआ तब मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं अपने शूज में भी वॉक नहीं कर सकता था, मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी इस सब के लिए, लेकिन जब मैंने अपनी मिस्ट्री सॉल्व की जो कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, उसके बाद मैं लोगों की केयर करना शुरू कर चुका हूँ, लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों, मैंने आखिर क्या बुरा किया है। तब वो रिंग से चिल्लाकर कहता है मैं फिर से जीना चाहता हूँ, तुम सुन रही हो, मैं फिर से सेकंड चांस चाहता हूँ। तब रिंग उसे कहती है कि खुद को हेजिटेट करना बंद करो बॉस्टन ब्रांड, और ये लो, और वो रिंग उसके पास फिर से आ जाती है, और इसी तरह से वो फिर से पूरी लाइफ के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर रिंग आते हुए उसे कहती है कि तुम्हें चूजन वन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं बल्कि लाइफ अपने हिसाब से चलती है अनएक्सपेक्टेडली, और तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो, और इसी तरह से चूजन वन तुम्हारे पास आएगा। और फिर से डेडमैन के पास वो व्हाइट रिंग आ जाती है, और इतना देखते ही वो बैटमैन को पुकारता है, लेकिन बैटमैन तब तक वहाँ से जा चुका था। इस पर डव कहती है कि मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस के लिए भी यहाँ नहीं रुका। तब डेडमैन कहता है शायद रिंग ने उसे पहले ही आंसर्स दे दिए हो। तब वो पूछती है कि तुम्हारे आंसर्स का क्या। तब डेडमैन कहता है मुझे पता चल चुका है कि लाइफ एक चीज बर्गर से कहीं ज्यादा है, और यहाँ पर डव उसके लिए रो रही थी, और तभी वो डव को किस करता है। और यहाँ पर बैटमैन बिना उस व्हाइट रिंग के किसी से कह रहा था मैं बैटमैन बोल रहा हूँ, और हमें मैक्सवेल लॉर्ड के बारे में बात करनी है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरीज है तो भी मुझे कमेंट करें, और इससे पहले के स्टोरीज देखना ना भूले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।